हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी के घरों में सिरके या विनेगर की बोतल जो है वो जरूर होती है, लेकिन खाने के अलावा इसका और क्या यूज हो सकता है ये समझ में नहीं आता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने के अलावा सिरके के और भी बहुत सारे घरेलू इस्तेमाल हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। तो मेरे आज के वीडियो में मैं आपको सिरके से रिलेटेड कुछ ऐसे यूजेस बताऊंगी, कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिनको जान के आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान रखिए, मेरे आज के जो भी टिप्स और ट्रिक्स और यूजेस हैं, ये व्हाइट विनेगर या जो सिंथेटिक विनेगर होता है उससे रिलेटेड है। ना तो ये इसमें ब्राउन विनेगर का इस्तेमाल होना है और ना ही एप्पल साइडर विनेगर का। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा पहला हैक है, जब भी हम कपड़े धोते हैं तो पाते हैं कि जब हमारे कपड़े जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं तो कई धुलाई के बाद कपड़े जनरली जो है वो बहुत टाइट हो जाते हैं, और कभी कभी ये इतने टाइट हो जाते हैं सूखने के बाद कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी स्किन पे चुभते हैं और वो मना करते हैं कि हम इस कपड़े को नहीं पहनेंगे, ये बहुत चुभ रहा है। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ही इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप कपड़ों को धुलने के बाद रिंस करते हैं, चाहे आप वो बकेट में रिंस करें या वॉशिंग मशीन में, तो एक बकेट पानी में आप दो ढक्कन जो है वो व्हाइट विनेगर, ये व्हाइट विनेगर जो है ये दो ढक्कन डालना है एक बाल्टी में, और फिर फाइनल रिंस यानी कि जब आप कपड़े धो लें तो खंगालते टाइम इस पानी में कपड़ों को रिंस करें, तो आप पाएंगे कि इससे जितना भी इन कपड़ों में जो डिटर्जेंट का पार्ट रह जाता है, जो अंश रह जाता है, वो निकल जाएगा और आपके कपड़े हमेशा जो है वो नरम मुलायम रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी इधर उधर चींटियां दिखाई देती हैं तो आप जो है इसको, इनसे निजात पाने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा सा सफेद सिरका दो चम्मच जो है वो मिला लें, आधे बाल्टी पानी में दो चम्मच सिरका मिला लें और फिर उससे पोछा लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि चींटियां तो घर से भाग ही गई हैं क्योंकि उन्हें ये विनेगर की स्मेल अच्छी नहीं लगती, और आपके जो टाइल्स हैं या फर्श जो है वो भी चमकने लगा है। अगर जो है चींटियों की प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो आप क्या करें कि आधे मग पानी में दो ढक्कन सिरका मिला लें और उस जगह पे स्प्रिंकल कर दें, तो उस एरिया से, उस पर्टिकुलर एरिया से जहां पे चींटियां ज्यादा दिखाई देती हैं, चींटियां भाग जाएंगी। हमारा तीसरा हैक है कि अगर आपके किचन का सिंक जो है वो ब्लॉक हो गया है, जो कि अक्सर किचन में होता ही रहता है, तो उसमें आप जो है वो एक बॉल विनेगर जो है इसमें हम थोड़ा सा मतलब 4 से 5 चम्मच, बड़े चम्मच, टेबलस्पून बेकिंग सोडा मिला देंगे और इसको सिंक में डाल देंगे, थोड़ी देर रखा रहने देंगे ऐसे ही, और ब्लॉकेज खत्म होता रहेगा। बाद में ऊपर से गर्म पानी एक मग डाल देना है, तो आप पाएंगे कि थोड़ी देर में जो है हमारे सिंक की ब्लॉकेज वो खत्म हो गई है। फ्रेंड्स, कपड़ों की स्पेशली व्हाइट यूनिफॉर्म जो बच्चे पहनते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो एक आम प्रॉब्लम है, कि अंडर आर्म्स एरिया में जो होता है वो पसीना बिल्कुल जमा हो जाता है और ये एरिया पीला पड़ जाता है जो कि देखने में बहुत ही भद्दा लगता है। तो अगर आपको के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो इसका सिंपल होम रेमेडी ये है कि आप इस एरिया को थोड़े से विनेगर में ऐसे डिप कर दें, डिप करने के बाद ये ऐसे छोड़ दें और फिर इस कपड़े को धो दें, तो आप पाएंगे कि ये जो अंडरआर्म एरिया में जो पसीने का दाग था या कहीं भी पसीने का जो जमा हुआ जिद्दी दाग हो जाता है वो चला जाएगा। फ्रेंड्स, विंटर सीजन चल रहा है और इस सीजन में खूब सारे फ्लावर्स जो हमें इजीली मिल जाते हैं, और ज्यादातर हम लोग इस सीजन में अपने लिविंग रूम में फ्रेश फ्लावर्स से ही डेकोरेट करते हैं। तो अगर फूलों को लंबे समय तक फ्रेश रखना है तो फ्लावर वास में जब आप पानी डालते हैं, मान लीजिए ये हमने इसमें पानी डाल दिया, तो इसके साथ ही इसमें 2 चम्मच विनेगर भी डाल देना है और फिर इस पानी में आप अपने फ्लावर्स को रखेंगे तो फ्लावर्स लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। अगर आपके घर का भी फ्रिज और माइक्रोवेव गंदा हो गया है, स्पेशली जो मॉनसून सीजन होता है उसमें क्या होता है कि फ्रिज के अंदर की जो रबर होती है उस पर फंगस या मोल्ड की ग्रोथ होने लगती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको 1:1 पार्ट में विनेगर और पानी लेना है, यानी जितना आप पानी लेंगे, मान लीजिए ये मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, अब हम इतने ही पार्ट इसमें व्हाइट विनेगर का ऐड करेंगे और इस पानी से अगर हम फ्रिज और माइक्रोवेव को साफ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से चमकने भी लगेंगे, साथ ही जो फंगस की ग्रोथ हो रही है तो वो खत्म हो जाएगी और अगर नहीं है तो वो कभी नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर बालों में चमक ले आना है तो इसमें भी व्हाइट विनेगर बहुत ही काम का है।
आपको करना ये है कि जब आप बालों को शैम्पू कर लें, यानी कि शैम्पू करने के बाद जब आप बाल धो लेते हैं, तो लास्ट रिंस जो है उसमें एक मग पानी में एक चम्मच विनेगर डाल दें, और इस पानी से अगर आप लास्ट रिंस करेंगे तो आपके बाल बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ज्यादा शाइनी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप घर में जो है वो दूध से पनीर बना रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हम लेमन जूस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लेमन जूस के बजाय ये विनेगर का इस्तेमाल करें, तो आप पाएंगे कि आपकी पनीर बहुत ही सॉफ्ट, ये देखिए ये मैंने घर में बनाया है, ये बहुत ही सॉफ्ट, ये देखिए मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ, ये बहुत सॉफ्ट और वाइट बनती है, और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि पनीर की क्वांटिटी भी ज्यादा निकलती है। फ्रेंड्स, बच्चों के वाटर बॉटल या जो थर्मस होते हैं उनको, उनके इस्तेमाल से रेगुलर यूज के बाद बहुत स्मेली हो जाते हैं, इसमें से स्मेल आने लगती है, क्योंकि बच्चे जो है वो पानी स्कूल में मुंह लगा के पीते हैं, तो कई बार मुंह में कुछ अगर खाने के पार्टिकल्स है तो वो भी चले जाते हैं। इसकी वजह से जो है हमारे थर्मस वगैरह बहुत स्मेली हो जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए आपको करना ये है कि आप इसमें विनेगर मिला दें। ऐसे यहाँ पे मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है, और कैप लगा दें, फिर थोड़ा सा बॉटल को यू शेक कर दे ताकि ये इसके अंदर के पूरे सरफेस एरिया पे फैल जाए, और इसको एक घंटे के लिए छोड़ दे। एक घंटे के बाद विनेगर को निकाल के सादे पानी से इसको धो ले, तो आप पाएंगे कि थर्मस में जो स्मेल थी वो बिल्कुल गायब हो गई है। फ्रेंड्स, विंटर सीजन चल रहा है और इस सीजन में हरी सब्जियों की तो भरमार है, ये साग हमारे हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन हम गृहिणियों के लिए कभी कभी ये सरदर्द भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको काटते समय और इनको, इनकी जब हम छटाई करते हैं तो हमारे हाथ और उंगलियां, देखिए ये एरिया अक्सर हमारा पूरा काला हो जाता है, जो कि देखने में बहुत ही भद्दा लगता है। तो इससे छुटकारा पाने में भी व्हाइट विनेगर बहुत ही काम का है। आपको करना ये है कि दो चम्मच आपने दही ली, ये देखिए मैंने दो टेबल स्पून यहाँ पे दही लिया, और इसमें हम ऐड कर लेंगे एक चम्मच व्हाइट विनेगर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हाथ पे लेके हाथों को अच्छी तरह से मसाज कर लेंगे। इससे हम हाथों पे अच्छी तरह से मसाज कर लेंगे, जिस एरिया, जो हमारे प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जहां पे हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा काला हो गया है, उस पे अच्छी तरह से यू मसाज कर लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट, और फिर हाथों को सादे पानी से धो के और इस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके हाथ बिल्कुल नरम, मुलायम, गोरा और खूबसूरत हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज 10 टिप्स और ट्रिक्स या हैक्स व्हाइट विनेगर से रिलेटेड। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।